वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सपना आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली पार्टी मेकअप लुक फॉर टीनेजर। और ये लुक मैंने पीच कलर के ड्रेस के साथ क्रिएट किया है। बहुत इजी है क्रिएट करना, तो अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया तो आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं फॉलो करते तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन, मैं वहाँ भी सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेकअप करने से पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना चाहिए। तो यहाँ मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम लिया है, थोड़ी क्वांटिटी में लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, देन अपने स्किन में अच्छे से प्रेस कर लूँगी। न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजर है, फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजर लेकर मैं फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया, आप कोई भी प्राइमर ले सकती हैं। देन मैंने फाउंडेशन के लिए लिया है ये फिट मी फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 310। उसको अप्लाई करके देने एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। तो पहले मैंने ब्रश से ब्लेंड किया, अगर आपको जल्दी हो तो इस तरह से आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते। देन मैंने लिया है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सारा उस डैप डैप कर दूंगी, तो जितने भी पैचेस वगैरह आएंगे वो रिमूव हो जाता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो उसके बाद ब्रश के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और अपने आई एरिया, फोरहेड, माउथ एरिया, नोज पर अप्लाई करके देन सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे भी ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने वेकिंग के लिए लूज पाउडर लिया है, और उसके बाद अपने फेस की वेकिंग किया है। तो जब तक फेस वेक हो रहा है ब्राउज को फिल कर लेते हैं। बेनिफिट का ब्रो पोमेड है, इससे मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे अपने ब्राउज को फिल करके देन एक पुली से कॉम करके अच्छे से, ताकि वो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो ब्राउज सेट हो जाती है। देन उसके बाद जो भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर दूंगी। तो एक्सेस पाउडर को रिमूव करने के बाद अब हमें चाहिए फेस पैलेट, जिसमें मैंने लिया मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट। इसमें से ये कंटूर पाउडर लेके अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। तो कंटूरिंग करने से हमारे फेस में एक अच्छा सा डायमेंशन आ जाता है, फेस थोड़ा सा शार्प दिखता है, डबल चिन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हाइड होती है। और एक पतले ब्रश की हेल्प से नोज़ की कंटूरिंग कर लूँगी। तो नोज़ की कंटूरिंग करने से हमारी नोज स्लिम दिखती है और शेप में दिखती है। इस तरह से थोड़ा सा लिप्स के ऊपर और नीचे भी कंटूरिंग कर लूँगी, ताकि एक शेडो आ जाए और लिप्स से थोड़ा सा फुलर दिखे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ये ब्लश पैलेट लिया, इसमें से लाइट पिंक कलर ब्लश लेके और अपने चिक बोन्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा डार्क वाला ब्लश नहीं अप्लाई कर रही हूँ आज मैं, तो इस तरह से ब्लश अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप के लिए मैंने लिया है ये मेकअप रिवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, और इसमें से ये लाइट कलर लेके आईलिड के क्रीज पे अप्लाई करना है। इस तरह से हल्का सा क्रीज पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद डार्क कलर लेना है, डार्क ब्राउन कलर लेके, और इसको इस तरह से इनर आईलिड पे और आउटर भी पे प्लेस करना है, और दोनों को उसी जगह पे ब्लेंड करना है। देन उसी कलर को लेके क्रीज से इसे ज्वाइंट भी कर देना है। तो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम देके अच्छे से ब्लेंड करिए। एक स्मॉल ब्रश में कंसीलर लेके इस तरह से आईलिड के मिडिल में ड्रॉ करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करके अप्लाई कर लेना है। इसके बाद इसमें टॉप अप करना है हमें कोई सिमरी कलर, तो यहाँ रोज गोल्ड कलर में ले रही हूँ और इससे कंसीलर पे अप्लाई कर दे रही हूँ। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर लेके एक ब्रश में और इसके एजेस को दोनों तरफ से ब्लेंड कर लेना है। रोज गोल्ड कलर के ऊपर हल्का सा ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ग्लू अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, देन मैंने यहाँ सिल्वर ग्लिटर लिया है, इसमें थोड़ा ग्रीन पार्टिकल्स भी हैं। तो हल्का सा मैंने इसे टॉप अप किया है। देन ब्लैक का आईलाइनर लेके एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी, विंग प्लस इनर आईलाइनर अप्लाई करूँगी। तो इनर आईलाइनर भी अप्लाई कर ले रही हूँ इस तरह। उसके बाद एक पतले ब्रश में ब्लैक कलर पिक करके लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करूंगी। तो हाफ लोअर लैश लाइन तक अप्लाई करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद काजल के लिए यहाँ मैंने वाइट काजल अप्लाई किया। वाइट काजल अप्लाई करने से क्या होता है, आंखें थोड़ी सी ओपनर दिखती हैं और अच्छी लगती हैं। उसके बाद मस्कारा के लिए लोरियल पैराडाइज के मस्कारा लिया है। अपर एंड लोअर लैसेस को मस्कारा से अच्छे से कोट कर देना है। देन फेक आई लैसेस ग्लू अप्लाई करके फेक आई लैसेस अप्लाई कर दे रही हूँ।
दोनों आईज का मेकअप डन हो गया है। देन गोल्ड ग्लिटर ले ली, लिक्विड ग्लिटर आईलाइनर, और इसको अपने मिडिल आईलिड पे इस तरह से एक लाइन बना दूंगी तो अलग से दिखेगी तो अच्छे लगे। इसके बाद हाईलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर लिया है। अपने फेस के हाई पॉइंट को हाईलाइट करना है तो एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से आज मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो अपने चिक बोन्स को, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, फोरहेड और अपने ब्रोन को भी हाईलाइट कर लेना है। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर पूरा डैप डैप कर लूँगी तो जितना भी मेकअप अभी तक किया है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए रोग सिग्नेचर की लिपस्टिक ली है जो कि न्यूड लिपस्टिक है। इसमें मेरा सेड है 116 और इसको मैंने लिप्स पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने बना लिया है ये पोनीटेल, देन एक ईयरिंग डाल ली है। तो ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस लुक को आप किसी भी ड्रेस के साथ बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सेटल वाला लुक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।